हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 2, जिसका नाम है फसलों के त्यौहार। जैसे ही फसलें पकती है तो लोग जो है वो किस तरह से अपने त्यौहार जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, तो ये बिहार रीजन का ये लेख है। तो आइए शुरू करते हैं। सारा दिन बोसरी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। ठीक है, बोसरी का अर्थ होता है अंगीठी, कि पूरा दिन जो है अंगीठी के आगे हाथ सेंकते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आंस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए हैं, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसमें कवि कह रहा है कि पूरा दिन जो है हम अंगीठी के सामने बैठे रहते हैं। अब आज जो है वो खिचड़ी का त्यौहार है, तो इसमें क्या है, खिचड़ी से मतलब यहाँ पे एक त्यौहार से है। ठीक है, खिचड़ी का एक त्यौहार होता है जिसे हमारे यहाँ पे लोहड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस समय क्या होता था, जैसे ही ये वाला त्यौहार आता है तो उस टाइम गर्मियाँ शुरू हो जाती है। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल से अब पता चल रही है। रह रह कर कानों में कभी चंपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी किसी के हांक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल के ना। ठीक है, तो कभी कह रहा है कि सुबह के समय अगर हम बाहर की तरफ, मैं देख रहा हूँ बाहर की तरफ जब देख रहे हैं तो समय का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा है, लेकिन घर में जो चहल पहल हो रही है उससे थोड़ा सा अंदाज़ा लग रहा है कि सुबह हो गई। ठीक है, ये जो लेख लिखा हुआ है ये बिहार के रीजन का है। यहाँ पे बिहारी जो भाषा है वो यहाँ पे यूज़ करी गई है। आज ई लोग के उठे के नखे बोल जल्दी तैयार होकस। ठीक है, मतलब आज ये जो लोग हैं ये उठे हैं कि नहीं, इनको बोलो कि जल्दी से तैयार हो जाओ, अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठंड हम पहले कबो ना देख, नी सारा देह कन कना दे ता, पापा ने कहा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि नहा धोकर सभी जो है वो एक कमरे में इकट्ठा हो गए। दादा और चाचा की जो धोती थी वो इतनी अच्छी लग रही थी, मांड लगने का मतलब है कि जो धोती का कपड़ा होता है उसे चावल के पानी में धोया जाता है जिससे उसकी चमक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अब ये कह रही हैं कि खिचड़ी में इससे पहले जो है ऐसी कभी हमने ठंड देखी नहीं, ऐसा पापा कह रहे हैं कि आज से पहले भी खिचड़ी हम मनाते थे लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड तो हमने कभी भी नहीं देखी। शायद उन्होंने आज धोती और कुर्ता पहना था, तब शायद उन्हें ज़्यादा ठंड लग रही थी। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। ठीक है, तो क्या हुआ, सामने जो मजिया थी, मजिया का मतलब होता है छोटी चारपाई। ठीक है, वहाँ पे दादी बैठी हुई थी और वो नहा धोकर बैठी हुई थी, उन्होंने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और उनके बाल जो थे वो इतने सफ़ेद लग रहे थे, इतने सेमल की रुई का मतलब होता है बिल्कुल सॉफ्ट रुई, सॉफ्ट कॉटन। ठीक है, उसकी तरह हल्के फुल्के उनके बाल लग रहे थे। गौर से देखने पर, मतलब कितना भी ध्यान से देख, गौर से देखने का मतलब होता है ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखने पर भी एक भी उनके सिर में काला बाल नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही थी दादी। अब दादी नहा धो के बैठी होगी, त्योहार का दिन था तो दादी नहा धो के बैठी होगी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हुए थे। ठीक है, जिस पर तिल मीठा, मीठा में क्या रखा हुआ था, मीठा में उसमें गुड़ रखा हुआ था। चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए थे। ठीक है, तो दादी के सामने जो थे एक केले के कुछ पत्ते थे वो कतार में रखे हुए थे। कतार का मतलब होता है लाइन में रखे हुए थे। ठीक है, हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सब ने ऐसा कर लिया तो उन सब चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान में दे दिया। ठीक है, जब सभी ने पूजा कर ली तो उसके बाद वो जो जितने भी वहाँ पे उन्होंने सामान रखा हुआ था उसको दान में दे दिया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी।
आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी, आज खिचड़ी जो है। अब जो दीदियाँ थी उनकी, अप्पी दीदियाँ, उसको ना तो चूड़ा दही पसंद था और ना ही खिचड़ी पसंद थी, लेकिन आज तो उनकी फरमाइश का नाश्ता उनको नहीं मिलना था क्योंकि आज जो है खिचड़ी का त्यौहार है, तो सबको एक जैसा ही खाना पड़ेगा। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। गया जो है बिहार में एक जगह है, एक आध्यात्मिक स्थल है, वहाँ से आए तिल, गुड़ और चीनी के जो तिलकुट थे वो बड़े चाव से खाए। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। जो राइटर है वो बोल रही है कि ये वाली जो खिचड़ी है वो कितनी अलग है, जब हम जो स्कूल में खिचड़ी मनाते थे वो तो बिल्कुल ही उसका जो मज़ा था वो बिल्कुल ही अलग होता था। ठीक है, छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। ठीक है, जो लेखिका है वो अपना दिन याद कर रही है, अपने टाइम याद कर रही है जब वो स्कूल में खिचड़ी बनाया करते थे। ठीक है, इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं दूर पर गुरुजी, बिमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। यहाँ पे अपने वो फ्रेंड्स की बात कर रही है, अपनी सिस्टर्स की बात कर रही है, अपने टीचर की बात कर रही है कि जिस टाइम वो पतंग उड़ा रहे होते थे तो वो उनके जो गुरुजी थे और उनके जितने भी फ्रेंड्स थे जो उनसे बड़े थे वो वहाँ पे चूल्हे पे खिचड़ी बना रहे होते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं, वाकई ढंग कैसा भी हो पर ये खुशियों का त्यौहार। जनवरी माह के मध्य में भारत में लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो जनवरी माह में जो मैक्सिमम जो त्यौहार है वो फसलों के पक जाने पर, कुछ लोग जो है इसको फसलों के पक जाने पर मनाते हैं। ठीक है, और कुछ लोग इस तरह से मनाते हैं कि चलो अब पाला कम होने का मतलब है कि थोड़ी सी अब ठंड जो है वो कम हो जाएगी, अब गर्मियाँ शुरू हो जाएगी, तो कुछ लोग इस खुशी में भी मनाते हैं। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, ठीक है, ये जो त्यौहार है इसको उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जो है मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग के पर्व और सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार है। ये जो सारे, ये जो यहाँ पे इन इन स्टेट में जो ये जो त्यौहार हैं ये सभी जो है फसलों से जुड़े हुए हैं। इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। ठीक है, जैसे ये जो खिचड़ी वाला त्यौहार है ये भी फसल से जुड़ा हुआ त्यौहार है, तो इसी तरह से जो अन्य स्टेट्स हैं उनके त्यौहार भी इसी तरह से मनाए जाते हैं जो कि फसलों से जुड़े हुए हैं। झारखंड में सरहुल बड़े जोशों खरोश के साथ मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम झारखंड के सरहुल त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती है। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो औरांग लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने शुरू हो जाते हैं, ये फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सरहुल त्यौहार है ये बड़े खुशी के साथ मनाया जाता है। अलग अलग जनजातियाँ, जैसे संथाल भी एक जनजाति है, जो सांथाल लोग हैं वो इसे फरवरी मार्च में मनाते हैं और औरांग वाले लोग हैं वो इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। ठीक, इस समय क्या होता है, जो साल का पेड़ होता है इसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं और मौसम जो है वो भी सुहावना हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं।
चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्ष का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव। ठीक है, ढोल मंजीरे का मतलब है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में आपको बच्चे दिख रहे हैं, इसके हाथ में ये जो है इसको ढोल बोलते हैं और इस बीच वाले के हाथ में इसको मंजीरा बोलते हैं। ठीक है, तो लोग जो है वो ढोल मंजीरे बजाते हैं। ठीक है, लीपे पूते करीने और बुहारे से सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। ठीक है, इन डांस करने का उनका एक तरीका है, कमर में बाजू डाल के वो नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है वो क्या मांगते हैं? जैसे हमारे यहाँ पे जनरली ये होता है, या तो हम चंदे में पैसे मांगते हैं, चंदे में ऑलमोस्ट पैसे ही दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये झारखंड में क्या होता है, चंदे में वो जो झारखंड के लोग हैं जो घर घर जाके पौधे लगाते हैं, वो चंदे में मुर्गा चावल और मिश्री मांगते हैं। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। सरई जो है एक पेड़ है, पेड़ का नाम है, जिसका फूल जो है वो शुभ माना जाता है, उस फूल को वो अपने कानों में लगाते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। जो थोड़ा सा धान होता है वो अगली फसल के लिए वो बोते हैं, ठीक है, जिसकी उन्होंने पूजा करी होती है। अब देखते हैं तमिलनाडु में ये जो मकर संक्रांति है ये कैसे मनाई जाती है। हमने देख लिया झारखंड में किस तरह से मनाई जाती है, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे है तमिलनाडु, बिल्कुल साउथ में। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल अरहर आदि कटकर घरों में पहुँचती है। फसलें दो प्रकार की होती है, एक तो रबी फसल होती है, गेहूँ चना मटर इस तरह की फसलें जो है वो रबी फसलों में आती हैं, और खरीफ फसलों में चावल अरहर धान इस तरह से ये जो है ये खरीफ फसलों के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है। कहाँ पे होता है ये? तमिलनाडु में। हर घर में जो है मिट्टी का एक नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है, उफान आने का मतलब है होता है दूध ऊपर आ जाना, दूध में उबाल आ जाना, और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगल 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 खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर में सुनाई देता है। ठीक है, तो तमिलनाडु में जो मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो इस तरह से मनाया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, लोग जो है अपनी जो फसलें हैं उनको घर में ले आते हैं, फिर जो है वो उनको कूट कर एक सभी जो है एक नया सा मटका लेते हैं, उसमें चावल दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख दिया जाता है। ठीक है, फिर हल्दी जो है उस मटके के बिल में पूरे बांध दी जाती है, और 10:30-12 बजे तक उसे धूप में रखा जाता है, और फिर बाद में जैसे ही दूध में उफान आ जाता है फिर सब पोंगल 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 कहते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ की एक रस्म है, वहाँ का एक तरीका है। तो आइए अब देखते हैं गुजरात में किस तरह से जो संक्रांत है वो मनाई जाती है। अब ये है भारत और यहाँ पे है गुजरात। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से मनाते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और हर रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म जाति या आयु के हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। मतलब गुजरात में जो संक्रांत का जो त्यौहार है वो पतंग उड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। पतंगे इसमें लोग उड़ाते हैं और ऐसे लगता है मानो जो पतंगे हैं उन्होंने सूर्य को भी ढक दिया हो। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कि कुमाऊं में किस तरह से जो संक्रांत है वो मनाई जाती है। कुमाऊं जो जगह है वो उत्तराखंड में पड़ती है। ठीक है, तो ये है उत्तराखंड। कुमाऊं में मकर संक्रांति को गुघुतिया भी कहते हैं।
इस दिन आटे और गुड़ को गूंदकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दांडी और फूल आदि। ठीक है, पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच एक संतरा और गन्ने की कंडेरी पिरोई जाती है। ठीक है, यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों में चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला में पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। तो बच्चे जो है वो इस प्रकार कहते हैं, कौवा आओ घुगुत आओ, ले कौवा बाड़ो, माँ के दे जा सोने के घाड़ो, खा ले पूरी माँ के दे जा सोने की छुरी। तो ये जो बिहार उत्तराखंड की भाषा है, तो अपनी भाषा में जो है वो बुलाते हैं। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वो मांगते हैं, है ना, कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। तो यही थी आज की हमारी जो हमारा जो लेख था, एक कवि के द्वारा लिखा हुआ है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे वर्णन किया है कवि ने कि किस तरह से जो है हर जगह पे जो फसलों के त्यौहार है वो मनाए जाते हैं। मुझे आशा है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।